आज हम लोग हैं गोरखपुर की एक ऐसी ट्रेन में जिसका नाम है प्रीमियर स्पेशल समर ट्रेन। और इस ट्रेन के बारे में बता दूं कि इस ट्रेन का भाड़ा सबसे ज़्यादा अधिक भाड़ा है आम ट्रेन के मुकाबले में। कुछ यात्रियों ने इस ट्रेन के भाड़े में 1800 रुपये दिए हैं स्लीपर क्लास के टिकट के लिए, और कुछ यात्रियों ने 1150, कुछ यात्रियों ने 2000, कुछ यात्रियों ने 2500 अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों ने इसमें खर्च करके आए हैं। लेकिन इस ट्रेन की हालत देखिए, जिस डब्बे में मैं भी खड़ा हूँ S3 है, और ये S3 डब्बे में लाइट नहीं है और इसका पंखा भी चालू है, आप देख सकते हैं। और सुविधा के नाम से इस ट्रेन में पानी की बड़ी किल्लत है। पैसे पहले ले लिए गए थे खाने के, लेकिन खाने में जो पैसे इस्तेमाल किए गए वो बराबर इस्तेमाल नहीं किए गए। तीनों टाइम एक ही सब्जी और तीनों टाइम एक ही तरीके का खाना। और प्रभु जी से इनके कि ये जो अच्छे दिन के विशेष ट्रेन इन लोगों ने चलाया है, वो अगर अगले आने वाले दिन में समय में अगर ये लोग अगर इससे बेहतर अगर कोई जनसाधारण चालू करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी आपको का है। ज्यादा कहाँ जा रही है, आपका टिकट पीछे नंबर लिखा, टोल फ्री नंबर। एक मिनट, आप एक बॉटल पानी जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं आप किसका? ये की बॉटल एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं पैसा देखिए आप। हाँ 15 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए पानी लिए, 20 रुपए ठंडा पानी का 20 रुपए बुलाओ, बेचने के लिए ठंडा पानी और पीने के लिए गर्म पानी। चलो चलो बैठो, दिलवा देंगे रिटर्न। नाश्ता तो पूरा सूखा था यार, सूखा नाश्ता सर, इतना गाड़ी लेट चल रही है, इतना सूखा नाश्ता खाए खाने में दो रोटी चिकन खाली होता है खाना, मतलब ठीक है। नॉनवेज वाले को चिकन, अंडा करी, मटन, ये सब आप दे रहे हो। वेज वाले के लिए खाली आलू की सब्जी, खाली आलू की सब्जी, तीनों टाइम आलू की सब्जी खाली है आपके यहाँ? आलू सर आइटम है जो मतलब ज्यादा। हाँ, मेरा नाम वाजिद अली है और मैं नंबर S3 और बैच नंबर 15 पे बैठा हूँ। और मुझे स्पेशल ट्रेन ये बताया गया था कि इसमें खाने का सुविधा है और हर चीज़ का सुविधा है, कम समय में ये हमें पहुंचा भी देगा गोरखपुर। जो हम बैठे हैं लोकमान किला, 7 तारीख 15:50 पे वहाँ से ये ट्रेन चली, और हमें ये ट्रेन कानपुर में काफ़ी लेट है, 3:30 के जगह पे हमें ये पहुँचाई 6:30 बजे। और लाइट के बारे में तो क्या बताएं यहाँ, ये तो ट्रेन यहाँ चार्जर चल भी नहीं रहा, ये पंखे भी सब बंद है। हाँ देखिए, पंखे भी बंद है, लाइट भी चालू हालत में है, और ट्रेन अभी चल रही है, एकदम धीमे चल रही है, ट्रेन चालू हालत में है, और चार्जर का भी व्यवस्था नहीं है कि हम अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा कर ट्रेन रुक जावे तो पूरी बोगी में अंधेरा हो जाता है। 5 मिनट अगर गाड़ी रुकती है तो पूरी बोगी में अंधेरा हो जाता है।